हाँ जी, हम लोग पवन सिंह का हम लोग पहन लिया है कांची झाप। जिंदाबाद भाई रहेगा ना। तो आइए क्या जिंदाबाद दिल से बताइए अब एकदम एक तारीख को हम लोग एकदम दिखा देना है अपना युवा का पावर और अपने माता बहन से वोट दिलवाकर सांसद में। नमस्कार, मैं अभिनय कुमार और इस समय काराकाट लोकसभा क्षेत्र के गोडारी मैदान जमुआ में मौजूद है। यहाँ पे पवन सिंह का भव्य जनसभा आयोजित किया गया था और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कैसा माहौल का है, कैसा किसका बयान चल रहा है। तो आइए क्या दिल से बताइएगा। अब एकदम एक तारीख को हम लोग एकदम दिखा देना है अपना युवा का पावर और अपने माता बहन से वोट दिलवाकर सांसद में दिल्ली भेजना है पवन भैया को। अपना घर का एक बेटा समझकर हम लोग मदद कर रहे हैं और जीव जान हम देकर एकदम एक तारीख को उनको जिताएंगे और चार तारीख को बहुत भारी बहुमतों से हम लोग जिताने जा रहे हैं। पवन सिंह जिंदाबाद, कांची छाप जिंदाबाद, कांची छाप जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनसभा कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था भाई। भाई ए भाई, तो पवन का बाजार चल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। सब नेता मिल के काराकाट से कैले गद्दारी बा, यही से आपकी पवन के बारी बा। क्या गद्दारी किया? अरे दरुआ दिखत नहीं है, वो तो देखे वाली चीज बा, वो तो पूरा समाज देखत है। आप नहीं देख रहे? आप आए तो नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, कहाँ रह रहे? देखिए चारों जगह मुर्गा भात चलता है पैसा पर। यहाँ आदमी जो 200 रुपया लगा लगा के पवन सिंह में होता रहे। अच्छा। तो लगाओ बताब नु, आस्था बताब नु, प्रेम बताब नु। हाँ हमने के अभी नेता ना, नेता गद्दार होले, बेटा ईमानदार होला, अभी नेता ना बेटा चुना था। उपेंद्र कुशवाहा बाल क्यों? हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं क्यों बोलेंगे? हम अपना बारे में बोलेंगे। अच्छा। हम जिसके साथ है उसी का विकास चाहते हैं। इस बार पवन सिंह को लाने के लिए चाह रहे हैं। हाँ एकदम पवन सिंह सपोर्ट है। जय पवन तय पवन, जय पवन तय पवन। क्या कहना चाहते हैं? जय पवन तय पवन, जय पवन तय पवन। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। हम लोग दाऊद नगर तरफ से आए हुए हैं, हम लोग दाऊद नगर तरफ से आए हुए हैं पवन सिंह को सपोर्ट करने। दिल से सपोर्ट है, बस देखें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई सी लोभ नहीं है, कोई एक कहीं से लोभ नहीं है, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ अच्छा, बिहार में जातिवाद है, बिहार में जातिवाद है, जाति पाति से ऊपर उठ के कर रहे हैं। जाति पाति कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, सब जात सब जात सब जात। हाँ, भैया के खंड से आए हुए हैं पवन सिंह का, वहाँ हम लोग फुल बहुमत दे रहे हैं। हाँ फुल बहुमत दे रहे हैं हम लोग पवन सिंह का विचार पर, धारा पर। उनका जो विचार है, हम लोग चाहते हैं कि पवन सिंह लेखा संसद बने और वो विकास करे। इस क्या जानते हैं पवन सिंह का? पवन सिंह का हम लोग विचार से बात नहीं, हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं, लेकिन ये जो विचार कहे पवन सिंह बताए, हम लोग प्रसन्न हुए हैं जनता, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पवन सिंह को बनाकर देखे। भाषण सुने पवन जी का? जरूर सुने हैं। क्या क्या कहे? ना अच्छा ही बात कहे, माँ बेटी बहन को स्वागत करेंगे, अच्छा से आपका जो रहेगा हम देंगे, विकास का मुद्दा रहेगा उनका, और कोई विचार नहीं है, विकास का मुद्दा देंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छा काम। कहाँ से हैं आप? हम हैं राजपुर प्रखंड से, बघैला निवासी हैं। तो वहाँ से हम आए हुए हैं पवन सिंह देखने के लिए और उनका भाषण सुनने के लिए। लेकिन हम लोग का विचार अब बन रहा है कि हम लोग पवन सिंह को अपना वोट देकर राजा बना दें। हाँ हाँ, तो इस बार पवन सिंह एकदम पवन सिंह फुल पवन सिंह रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? हम तो पहले बोलेंगे, मैं स्वर्ण जाति के लोग से, कि जो हिजड़ा का जमा होगा वो उपेंद्र का वोट देगा। इसलिए कि स्वर्ण जाति के लिए 10% आरक्षण पर विरोध किया था और खून का धारा बहवाने के लिए बोला था, वैसा आदमी क्यों हम वोट देंगे? जो हिजड़ा का जन्म होगा वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे जी। अच्छा। और अभी कहेंगे कि हमारे स्वर्ण हमारे छोटे भाई लोग का बोले हैं 1835 लोग का, कि 1835 का बोले हैं कि सब लफुआ है, जब हम लोग वोट देकर तमाचा मरेंगे तब उसको पता चलेगा कि लफुआ के जवाब क्या होता है। इतना बात छोड़िए, मेरा पवन भाई ने बोला है कि अगर मैं जीत जाता हूँ
तो मैं जितना फंड मिलेगा मैं काम करूंगा, और जो मेरा पैसा वेतन मिलेगा मैं गरीब बेटी बहन का शादी करूंगा। बिल्कुल सही बात है, संसद का जो पैसा आता है हर महीना वो जो है गरीब परिवारों के बेटी का वो शादी करेंगे, ये बयान दिया है। अभी तो छोड़िए ना, उपेंद्र पवन सिंह बोले हैं कि डलमिया नगर फैक्ट्री खुलवाएंगे। उपेंद्र सिंह क्या बोले हैं क्या कि फैक्ट्री खुलवाएंगे? हमारे युवा साथी के रोजगार के बारे में कुछ बोले हैं क्या? समाज में जाके मिल रहे हैं जी, छोड़िए, जब से जीत कर गए हैं तब से एक बार भी आए हैं क्या? और खाली जात भी जाने से क्या वोट मिल जाएगा क्या, बता सकते हैं आप? हम जब भी देखते हैं तो अपने जात भी सौर ऊर्जा चाहे जो भी कुछ देते हैं अपने जात भी देते हैं, और अदर कास्ट का वोट नहीं चाहिए। बताइए आप, मेरा केरा काट के भाई चाहेगा ना तो उपेंद्र को ढकेल कर गड्ढी में बिकेगा, और एक तारीख का पता चलेगा 4 तारीख को कि उपेंद्र कहाँ गए और पवन भैया मेरे कहाँ गए। पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम रजनीकांत तिवारी हैं, राजपुर प्रखंड से, मेरा गांव सुअरा है। और आप पवन सिंह का टी शर्ट भी पहने हैं? जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, हम लोग पवन सिंह का हम लोग पहन लिए है। कांची झाप जिंदाबाद। भाई रहेगा ना तो कारा काट का ही बदल देगा, और मेरा जुआ साथी का रोजगार मिलेगा। कोई जुआ साथी का रोजगार के बारे में बोला है क्या? बताइए, कोई बोला है कि मेरा भाई भूखा मर रहा है कि जी रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। चाचा इस बार दिल से बताइएगा किसका बयान चल रहा है, किसको वोट देंगे? समाज इनको अच्छा से सम्मान करके एकदम दिल से जी खुश करके विदा करेंगे। काराकाट के जनता खुश है। अच्छा, जी ऐसा ही प्रकाश। अब की बार पवन सरकार आएगा तो पवन सिंह को कोई जीतने से नहीं। अभी मेरा सभी जात भाई का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे सभी भाई का, और किसी का जात पात से वोट नहीं मिल रहा है, और व्यवहार पर मिल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है। पवन सिंह, पवन सिंह को वोट हम लोग देने जा रहे हैं। हम ब्राह्मण सब कास्ट के हैं, ये जात पात से नहीं है कि राजपूत है तो हम उनको वोट नहीं देंगे। सब साथ मिलकर उनको भेंट कर रहे हैं, अच्छा से हम लोग तन मन धन से हाँ दे रहे हैं। हर जात है। अच्छा, क्या विकास कर सकते? विकास के धारा बहाएंगे। हमारा यहाँ डिग्री कॉलेज खोलाने के वादा किए हैं, इंजीनियरिंग स्कूल खोलाने के लिए, रोड के विकास करने के लिए बोले हैं, गरीब बच्चियों को शादी कराने के लिए बोले हैं, डालमिया नगर फैक्ट्री को उद्घाटन करने के लिए बोले हैं, और सारा समाज मिल को जो फंड आएगा वो अपना विकास में लगाएंगे, ये वादा करके गए हैं हमने राजपुर क्षेत्र में। और गली गली मिले हैं हम लोग से, तब हम लोग उनके पीछे हैं। नया यंग चेहरा है, ब्लड को बढ़ाना है, जिसको युवा को बढ़ाएंगे आगे तब हमारा कराकर संसद का विकास होगा, और नहीं तो पतन की ओर जा रहा है। दो गो सांसद लड़ रहे ना, राजा राम को भी देख लिए, हाँ इनको भी एक 5 साल मौका देकर देख लिए, जीत कर गए तो मुँह देखा है किसी भी आते हैं तो 3 आदमी भी आते हैं, कोई भी एगो बाबूचंद भी आएंगे बिशुनपुर पंचायत में, और रुतवा में जाएंगे उनके ललन सिंह यहाँ, और बराव में जाएंगे उनके यहाँ नगेंद्र मुखिया यहाँ, और कोई जात से इनको मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग बैग काट कर, हम लोग मोदी से नहीं खिलाफ है, हम लोग मोदी से दुख नहीं है, हम लोग प्रतिनिधि से दुख है। प्रतिनिधि ऐसा रहता तो सबको हम वोट देते इनको। हाँ खैर नहीं, मोदी से तकलीफ नहीं है भैया। बोल रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं, उपेंद्र को खैर नहीं। अभी हम बोल रहे हैं, अच्छा गरीब भाई को 10% मिल रहा था तो उनको घर से देना था। बड़ में भी गरीब है, छोट में भी गरीब है, स्वर्ण को भी कर, और वही बोले कि हमारा DNA में अगर होगा तो 10% लागू करिएगा, वही उपेंद्र का देना कहना है। पहला शख्स वही कटाक्ष किया था, ना तो और किसी ने कोई नहीं विरोध किया था, ना तेजस्वी किया, ना लालू किया, ना कोई किया। लालू से भी हम लोग को दुख नहीं है, लालू भी सरकार चलाए तो हम लोग खुशी थे, बाकी जैसा प्रतिनिधि आया हमारा तो इनसे खत्म है। तेजस्वी से भी खुश हैं, इनसे भी कोई कंटिन्यूटली हम लोग दिक्कत है कि कंडेक्ट दूसरा भी रहता है। उपेंद्र कुशवाहा सबसे घटिया प्रत्याशी हैं इसमें, और पवन सिंह नया चेहरा हैं, और ये सारा काम करेंगे। हम लोग को हॉस्पिटल बोले हैं, हॉस्पिटल भी बनवाएंगे हम, फिल्म सिटी बनवाएंगे, डालमिया फैक्ट्री चालू करवाएंगे, सारा रोड जो मतलब हालत खराब है रोड का, रोड बनवाएंगे। अच्छा, डालमिया फैक्ट्री जब चालू होगा तो रोजगार निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज खुलेगा, अच्छा अच्छा केंद्रीय विद्यालय के तौर पे स्कूल खुलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल?
क्या क्या कहना चाहेंगे पवन जी का जो सभा देखे हैं ना? नया चेहरा है, जुआ है और हम लोग को नया चेहरा ही जरूरत है। हम लोग दो बार महाबली सिंह को प्रत्याशी सांसद बनाकर देख लिए और एक बार उपेंद्र कुशवाहा को, कोई विकास नहीं हुआ काराकाट में। और पवन भैया जितना वचन दिए हैं और सारा मतलब कि पूरा करके दिखाएंगे, वादा किए हैं और वादा पूरा करेंगे। अच्छा, आप बोले विकास नहीं किया है, दो गो नवोदय स्कूल बना और डालमिया भी चालू होने वाला है। बोले चालू करने के लिए पवन भैया बोले हैं कि डालमिया फैक्ट्री चालू करवाएंगे और पवन भैया वादा किए हैं कि हमको संसद से मतलब नहीं है, हमारे काराकाट का संसद जनता है, ठीक है, युवा नेता हैं। और बोल रहे हैं कि मान के चलिए पवन भैया वादा किए हैं कि सारे पवन भैया का संसद बनाइए और युवा नेता हैं, नली गली सड़क मैंने जो भी दिक्कत है आपको वो आगे सब हल होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग वोट दिए थे पिछला बार, हम लोग तीन काम दिए थे उनको, गछई से राजपुर रोड वो अभी तक वो नहीं बनाए, फिर गछई से बेलवाई तक रोड दिए थे वो भी नहीं बनाए। काहे जिताते हैं उनको? माल जो पहला बार आए थे, पहला बार आए थे, जो काम नहीं करेगा उसको हम काहे वोट? माल पहला बार आए थे ना तो पूरा वादा किए कि हम ये करेंगे करेंगे, नहीं किए तो भाई अब की बार हम लोग पवन सिंह देंगे। अच्छा, एक और भाषा बोले हैं कि 18 से 25 लोग हुए हैं तो उनसे हम यही कहेंगे, जब वो पैदा हुए थे तो एक ही बार बूढ़ाई हो गए थे कि लफुआ होंगे अपने जमाने में, बताइए। अच्छा, अच्छा। बोले हैं कि 18 से 25 लफुआ है तो यही लफुआ भविष्य चेंज करेगा आगे। अच्छा, लफुआ बोले? हाँ। अच्छा अच्छा, बस। अच्छा, कैसा जन सैलाब था यहाँ पे? सही था भाई, सही था। हाँ हाँ, 100 में से 100 सही था, बढ़िया से। कहाँ से आए हो देखने के लिए? हम गछई से आए, नानो गछई, अमारता पंचायत से। जी, नाम क्या? हमारा नाम पड़ेगा विश्व कुमार सिंह। अच्छा जी, बोलिए चाचा। हाँ, कैसा समर्थन मिल रहा? समर्थन तो मिल ही रहा है, जैसा है ना कि पवन सिंह तन मन धन हाँ। सबसे संपूर्ण है, आप मानिए या हम ना माने। अच्छा। ये हमारी गलती है। अच्छा। इसीलिए हम लोग उनको देना चाहते हैं वोट। हाँ। आए जो कुशवाहा जी हैं तो हमारा भी हमारे कुशवाहा जी कुछ नहीं किए, नहीं 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 ना ना, पहचानते हैं लेकिन ऐसा उनका क्रिया था ना, इस गांव में नहीं जाएंगे उस गांव में जाएंगे, कि क्या विशेषता है भाई। अच्छा। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। अच्छा। तो इसमें सोचना चाहिए ना। अच्छा। यही बात है। अच्छा। अब इनको दे करके लोग संपूर्ण लोग कह रहा है कि अच्छे हैं, आज काम नहीं करेंगे तो कल जीतेंगे, तब करेंगे ना। हाँ। उनके पास अपना पैसा है, ऐसा बात क्या नहीं क्या बोले? हम तो नहीं उस समय आए, हम बाद में आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ गए थे, बुढ़वल घर है। अच्छा, आपके यहाँ गए थे? हाँ। अच्छा अच्छा, दो तीन बार आए थे, मिले थे। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। चलिए, नाम क्या आपका? शशिनाथ सिंह। कहाँ से है? है बुढ़वल से। बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई पहचान भी नहीं करता है, खाली सांसद जीत गए। हमारे गांव में आए थे, एक बूढ़ा आदमी बता रहे यही उपेंद्र कुशवाहा, बोले कि यही है तो कहे चाचा प्रणाम। पवन सिंह को हर लोग जान रहे हैं, तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए ना, प्रत्याशी ऐसे चाहिए, जात पात का बातें नहीं है। लेकिन यही सोच रहे हैं पवन सिंह जीते सबसे अच्छा। हाँ, तो हम लोग एकदम प्रत्याशी तैयार है। नेता जे पी नड्डा नड्डा। अच्छा, आप प्रधानमंत्री आज का आम सभा? हाँ, वहाँ पर शुभारम्भ थे। हाँ, तो वहाँ पर भी पवन सिंह का जिंदाबाद नारा लगा है। हम लोग का गुट का वहाँ गए हैं। ये चचा कैसे कह सकते हैं कि पवन नरेंद्र मोदी की सभा में पवन सिंह का नारा लगेगा? हाँ, हम लोग हुआ गया था, उनका था, उनका लगेगा। हम लोग का जुआ साथी गया था। हाँ। जुआ साथी गया था। हाँ। उसमें नारा लगाया है। हाँ। उनको दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी को खास। हाँ। करके। हाँ। कि देखिए जुआ शक्ति में कितना बल है। अच्छा, ये तो आप झूठ लगता है बोल रहे हैं। झूठ लगता है? क्यों झूठ लगता है? जाकर न्यूज पे देख लीजिए, आपका तो न्यूज अभी का तो गोदी मीडिया, पूरा बीजेपी का गोदी मीडिया न्यूज है। जैसे जैसे मोदी बोलते हैं वैसे आप लोग चलाते हैं। कौन, कौन, विपक्ष को आप पूरा चैनल गोदी मीडिया है। अच्छा, हाँ चैनल। हाँ, पूरा चैनल। हाँ, ये थोड़ा मोड़ा हम लोग का जो पवन सिंह का चल रहा है थोड़ा सा दिखाइएगा, अब बाकी साइड कर दीजिएगा। आज जितना बीजेपी का कार्यक्रम होगा उसको देरी से चलाइएगा। अच्छा, ये जो चैनल है आपका गोदी मीडिया? हाँ, ये गोदी मीडिया एकदम है।
अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, ये अच्छा अच्छा बात नहीं रख पाइएगा वहाँ पर चैनल पर, थोड़ा मोड़ा कट्टा छट के रख दिए, फर्निटी निभा दीजिएगा। मान लीजिएगा भाषण देने से आप 5 किलो चावल पर जिंदगी कट जाएगा, युवा का ही बताइए। 5 किलो मान लीजिए हम चावल आप ही को दे रहे हैं, अब भाषण देंगे तो आपका भाषण और भाषण पे अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बस। सरकार तो मोदी का बनेगा, मोदी देखिए सरकार मोदी जी का बनेगा, हम ही भाजपा है, बाकी हम लोग उपेंद्र कुशवाहा से महाबली से नाराज है। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ न जाइएगा जी, ना भैया, कारा कार्ड बदलाव चाहिए, हम लोग का काम चाहिए बस। आप चलिए, अगर विश्वास नहीं है तो राजपुर का चेब आपको रोड दिखाएंगे मंगलवलिया होते, चलिए आप देख लीजिए। वो उनको हम लोग लिख कर दिए थे, तीनों बार बोले कि पास हो गया, अभी तक नहीं बना, ये बताइए क्या मुद्दा रहेगा भैया इस बार? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी से यही पूछना चाहेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, आपको मांगना चाहिए, और उसे भी मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन काराकाट में क्या हाल है कि जिस रोड से हम लोग का कनेक्टिविटी होता है बाजार का, पढ़ने जाने में वहाँ साइकिल पंचर हो जा रहा है, रोड सब कबरा हुआ है। पिछला बार जब आए थे 2014 में तो इस उम्मीद से कमेटी से 8,000 का खर्चा किया गया था कि भाई सांसद जी खुश होंगे तो कुछ फंड देंगे, विकास होगा। 1,000 के पंखा दिए, 7,000 घाटा में लगा दिए, अब कमेटी कहाँ से फिर स्वागत करेगा? फिर भी जानते हैं क्या चल रहा है, बस ला रहे हैं 200 रुपया धरा रहे हैं, बस भर भर के ले जा रहे हैं। ये सब करे से वह पैसा वही ने दे दिला पर रोडवा हमने के बन जाए, आए कब तक तो कैसे चली खेला खेला करते रहिए, तब की बार परिवर्तन चलेगा, हम लोग से जितना होगा संभव। अरे भाई जितना जोड़ लगेगा पूरा जोड़ लगा के पवन भैया के जिताएंगे, आए कुछ नहीं तो एगो सूते बोला से जागे बोला शेर बढ़िया ना है, हाँ ये रहेगा ना तब क्या बोले? अरे सोया हुआ आदमी से एक जागा हुआ शेर देखे हैं कैसे गरज रहा है, माइक बुझा रहा है कि फटने लगे। पवन जी तब सोए हुए थे? पवन जी सोए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा ना सोए हुए हैं? अब यो देखिए ये कोई प्रत्याशी जो इतना मैंने स्टार है पवन सिंह से बड़का स्टार हैं, हर गांव में ही पवन सिंह घूम रहे हैं, और वो बस जहां नेता आ रहे हैं जाके बस मुड़ी गाड़ के मोदी भैया जी आई करेंगे, हाउ करेंगे, अरे भाई तू क्या करब, आए सब मोदी करियन तो तुहार फंडवा का होखी, और जब मोदी जी हर जगह से करियन तो तू हेजी क्या है के बड़ा, आए तो संसद हटा दीजिए एकदम, मोदीए के रखिए, संसद का है कि ती है, आए कोई काम नहीं है। कहता उपेंद्र के मोदी सिलेंडर दे रहे बहन, खाली मोदीए के नाम पर कह घर जीत, आए कुछ अपनो विकास कर, कुछ काम कर, तुहारे के 5 साल जिता के भेजनी जा तो कुछ करे के चाहिए ना भाई, ना रोड दिल ना कौनो एगो एको रुपया के 100 प्लेट नहीं खेला गलम। सिंपल बात, मार्केट में आपको 100 रुपया देकर भेजे, 5 रुपया के मरचाई धरा दीजिएगा और बोलिएगा कि फिर मार्केट भेजिए, आपको कोई भेजेगा? वही तो कर रहे हैं, एगो केंद्रीय विद्यालय दे दिए हैं, कह रहे हैं कि हम केंद्रीय जहाँ इतना जनसंख्या है 120 से 200 लड़के का एडमिशन कराने से खाली काम हो जाएगा, बाकी सब कहाँ जाएगा? वह काराकाट में भी नहीं है, बताइए जिस गांव का गोद लिए उस गांव का उद्धार कीबे नहीं किए तो उस आदमी पर क्या भरोसा होगा? अब मोदी जी भी समर्थन दे रहे हैं, कम से कम अपना से सोचना चाहिए कि कैसा आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जब कैंडिडेट बढ़िया है पवन सिंह तो भाई सपोर्ट करना चाहिए था, बढ़िया नेता है था, बाकी नहीं विरोध करेंगे तो करिए, सब जनता समझ रहा है, ऐसा बात नहीं है। हाँ 5 साल 10 साल हम लोग सोच के दिए थे ना, 5 साल उनको दिए, 5 साल उनको, 5 साल इनको भी देंगे, अगर यहाँ विकास नहीं हो तो वहाँ भी पता चल जाएगा विकास हुआ है कि नहीं 5 साल बाद भी। पवन सिंह क्यों उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं राजा राम जिताए? तो थे कहाँ, वो तो किधर इधर रहते ना, इधर तो कोई गारंटी है उनका? दे देंगे वोट मेरा बेकार हो जाएगा कि बढ़िया जाएगा, कोई गारंटी है? रह पाएंगे वो क्या पता कब चले जाएंगे, मेरा वोट भी बेकार हो जाएगा, सबका हो जाएगा, मेरा ख्याल सबका हो जाएगा, इसलिए दे रहा निर्दलियों को। आखिर वो भी तो बीजेपी से निकल चुके हैं, उनका भी तो कोई पार्टी नहीं है, जाएंगे जिसको सपोर्ट करना करेंगे, विरोध भी कर सकते हैं बीजेपी का, सपोर्ट भी कर सकते हैं, देखते हैं 5 साल में क्या होता है, समय बताएगा। अच्छा तो इस बार किसे लाएं? पवन सिंह आ चुके हैं, अब हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अब इसलिए मेहनत करके 20,000 से जीता रहेंगे, 1,00,000 रुपये से, 1,00,000 वोट से जीता रहे, जीत तो चुके हैं, अब कितना वोट से जीता रहे उसके लिए मेहनत हो रहा है, जीत चुके हैं बस वोट जीता रहे, अब वो उसके लिए मेहनत हो रहा है कि अब 2,00,000 वोट से जीताना है कि 1,00,000 वोट से जीताना है, 4 जून को पता चलेगा, वो तो पता ही चलेगा, अभी देखेंगे, अभी डालेंगे कितना वोट से जीतेंगे वो, किस लिए मेहनत हुआ था, माहौल मिला लीजिए ना, कहीं भी कोई बोला पवन सिंह हार रहे हैं, कोई भी लेकिन कहीं कहीं लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार जीत रहे हैं, दोनों में लगा कि हार जीत रहे हैं, लेकिन पवन सिंह को कोई नहीं बोला कि हार रहे हैं, सब लोग बोला जीत रहे हैं, जहाँ भी पूछो किसी से पूछो जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अभिषेक नाम है, हम बस राजपुर। अच्छा
सभा देखे? अरे देखे, वहाँ आगे में थे सुनने। कैसा लगा? क्या पवन सिंह को सुनने का, देखने के लिए हमारा भाग था, देखने के लिए तरसते थे हम लोग। यहाँ पर साक्षात दिख गए, सबको दिखा दिया, जिसके लिए हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर सर्च मार के, उनका गाना आते हो तो उसी में देखते हैं। यहाँ पर देखना आप, उससे बड़ा क्या चाहिए, भाषण सुने ना सुने, भाषण अच्छा दिए। तो ये था पवन सिंह का विशाल जनसभा। तो बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कॉमेंट करके जरूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।